वेलकम बैक टू माई चैनल नौशीन खान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हैप्पी होंगे एंड सेफ होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं या देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दे, रेड कलर का बटन होगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि मैं वीडियो डालूँ, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नौशीन381। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सबके साथ मेबलिन न्यूयॉर्क वाइट सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट का जो है शेड गाइड आज करूंगी। उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा शेड किस स्किन टोन के लिए बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा अंडरटोन और किस स्किन टोन वालों को कौन सा कॉम्पैक्ट लेना चाहिए, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो वीडियो है वो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं लाइव करूं, बट रिक्वेस्टेड वीडियोस के कारण मैं इस वीडियो को पोस्टपोन कर रही थी। बट मैंने इस वीडियो को अभी लाइव करने के बारे में सोचा है और जो रिक्वेस्टेड वीडियो है वो इसके बाद आएगी, तो आप लोग ज़रूर वेट कीजिए अपने रिक्वेस्टेड वीडियोज़ का, वो मैं जल्दी लेकर आप सबके लिए आऊँगी। अगर गाइस ये जो कॉम्पैक्ट है इसका मैं आपको छोटा सा रिव्यू दे देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कौन सा शेड किसके लिए परफेक्ट रहेगा। गाइस सबसे पहले मैं तो आपको ये बता दूँ, इस कॉम्पैक्ट में 4 शेड्स हैं जो कि है मार्बल, पर्ल, शेल और कॉरल। एंड इसका जो MRP है, जो इसका प्राइस है, वो आपको 150 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, ऑफलाइन कहीं से भी। मोस्टली अगर सेल वगैरह होगी तो आपको और सस्ते में ये अफोर्डेबल में ये पड़ जाएगा। ये कॉम्पैक्ट मुझे 140 रुपीज़ का मिला था। इफ़ एनी शेड अगर आपको लेना है तो कोई भी शेड आप ले सकते हो। और इसमें इस ये जो कॉम्पैक्ट है ये क्लेम करता है कि ये 12 घंटे का स्टे पावर रखता है, बट मैं आपको कहूँगी कि अगर आप ऐसा सोचते हो कि ये 12 घंटे का स्टे पावर है इसके अंदर, तो बिल्कुल नहीं है। 12 घंटे बिल्कुल ये स्टे नहीं करेगा, आपको टचअप करना पड़ेगा। और ये क्लेम करता है कि ये जो स्वेट होता है उसको आने नहीं देता और ये ऑयल कंट्रोल करता है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़े हद तक ठीक है। और इसमें SPF भी है जो कि आई थिंक 28 SPF इसमें इंक्लूड है। तो या ओवरऑल मुझे ये कॉम्पैक्ट अच्छा लगा। अगर इसकी कवरेज की हम बात करें तो इसकी कवरेज नॉर्मल टू मीडियम कवरेज है। अगर आप कोई भी फाउंडेशन को सेट करने के लिए भी ये कॉम्पैक्ट ले रहे हैं तो ये कॉम्पैक्ट आपके लिए अच्छा होगा, बट आपको अपना सही शेड लेना होगा। मुझे बहुत सारी कमेंट्स आते हैं कि हम जब कॉम्पैक्ट लगाते हैं तो हमारा वाइट पैचेस हो जाते हैं, कोई कहता है कि हमें ये सूट नहीं कर रहा है। तो अगर आप अपना शेड सही लेंगे तो आपको बिल्कुल सूट भी करेगा और आपको कॉम्पैक्ट समझ में भी आएगा कि क्या है नहीं है। मैंने लैक्मी और मेबलिन दोनों के कॉम्पैक्ट्स, जो अनदर कॉम्पैक्ट्स है, उनके मैंने शेड गाइड किए हुए हैं अपने चैनल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी और आई बटन में भी लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा। इन केस अगर आपको उस कॉम्पैक्ट में भी शेड्स अपना नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और फाउंडेशंस वगैरह के भी शेड गाइड मेरे चैनल पे है, तो ज़रूर से चैनल को एक बार चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको आपका अपना शेड बता देती हूँ कि कौन सा शेड किस स्किन टोन के लिए है। मेरा जो फर्स्ट शेड है वो है फेयर प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फेयर हो या आप नॉर्मल फेयर हो, लाइक इन दोनों पिक्चर्स में दो लड़कियों के फेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर इन दोनों से भी आप थोड़ा सा एक दो स्टेप नीचे भी हो तब भी आप मार्बल शेड इस कॉम्पैक्ट का यूज़ कर सकते हैं फॉर येलो अंडरटोन्स। अगर आपका अंडरटोन जो है वो येलो है और आप फेयर हो तो आप ले सकते हो मार्बल शेड। आइए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात करते हैं। जो दूसरा शेड है वो है फेयर प्लस पिंक अंडरटोन के लिए। अगर आप फेयर प्लस पिंक अंडरटोन हो और आप ऐसे दिखते हो जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है, या आप एक दो स्टेप नीचे भी हो, देन तब भी आप ले सकते हो पिंक अंडरटोन के लिए पर्ल शेड। ये जो पर्ल शेड है वो पिंकिश टोन्स के लिए है। तो अगर आप ऐसे दिखते हो या एक दो स्टेप नीचे भी हो, देन तब भी आप मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट का पर्ल शेड ले सकते हो। आइए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं। जो थर्ड शेड है वो है लाइट प्लस येलो अंडरटोन के लिए। अगर आप शेल शेड यूज़ कर रहे हो, देन आप अगर आप ऐसे दिखते हो देन आप ले सकते हो शेल शेड। ये शेड मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये मीडियम फॉर यू नो फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए है, जो लाइट फेयर होते हैं बट यू नो मीडियम पे।
में दिख भी रहा होगा, और यहाँ पे है मीडियम प्लस येलो अंडरटोन। तो यहाँ जो लाइट और प्लस येलो अंडरटोन दिखाया मैंने आपको, और ये स्किन टोन, अगर आप वैसे दिखते हो या ऐसे दिखते हो, यहाँ पे चार लड़कियों के फेस आपको दिख रहे होंगे। अगर इनमें से आप कोई सी भी मैच करते हो, देन आपको लेना है नेचुरल शेल शेड। ये जो शेल शेड है वो येलो अंडरटोन के लिए है, इसलिए मैंने आपको ये सजेस्ट किया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब हम नेक्स्ट शेड के ऊपर बात कर लेते हैं, और लास्ट शेड के ऊपर बात। जो लास्ट शेड है वो है मीडियम डार्क प्लस येलो अंडरटोन के लिए। तो जो कोरल शेड है वो बिल्कुल परफेक्टली मैच करेगा। अगर आप इससे एक दो स्टेप फेयर हो या एक दो एक स्टेप नीचे भी हो, तब भी आप कोरल शेड यूज़ कर सकते हो गाइज। ये बहुत अच्छा शेड है, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ्लॉलेस कर देगा। तो आई होप आपको ये बहुत पसंद आया ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही वीडियोस के लिए। अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो अभी मैं रिक्वेस्टेड वीडियोस कर रही हूँ, तो आप कमेंट जल्दी जल्दी कीजिए और बता दीजिए मुझे कि आपको कौन से वीडियोस की डिमांड है और आपको कौन सा वीडियो चाहिए जो मैं आपके लिए बनाऊँ। सो गाइज, ऐसा भी होता है कि मैं रिक्वेस्टेड वीडियोज़ बनाती हूँ नहीं आते, फिर भी मैं आप सबके लिए वो बनाती हूँ कि अगर मैं एक इंसान के भी वीडियोस बनाती हूँ, चाहे उसमें व्यूज़ आते हैं या नहीं आते हैं, मैं तब भी बनाती हूँ ताकि मैं जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको जानना है तो मैं उनके लिए बना देती हूँ ताकि उनको उनका सही शेड मिल सके। सो या उस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और या चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।